पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व सैन्य शासक को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मामले की सुनवाई पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने की है। मुशव्वर पर 3 नवंबर 2007 को आपातकाल लगाने के लिए देशद्रोह का मामला चल रहा है। पाकिस्तान की पूर्व मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने यह मामला दर्ज कराया था और 2013 से यह लंबित चल रहा था। दिसंबर 2013 में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ आरोपी करार दिए गए और उसी साल सितंबर में अभियोजन ने सारे साक्ष्य विशेष अदालत के सामने रखे। अपीलीय मंचों पर याचिकाओं के कारण पूर्व सैन्य शासक के मुकदमे में देरी हुई और वह शीर्ष अदालतों और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद मार्च 2016 में पाकिस्तान से बाहर चले गए। इससे पहले 3 जजों की बेंच ने बयान जारी कर कहा था कि देशद्रोह मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दुबई में रह रहे मुशर्रफ और पाकिस्तान सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोक दिया था। पिछले सप्ताह विशेष अदालत ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में 5 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कहा था। उसके बाद दुबई में रह रहे मुशर्रफ ने समर्थकों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा था कि वह काफी बीमार है और देश आकर बयान नहीं दर्ज कर सकते। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में बताया गया था कि मुशर्रफ एक दुर्लभ किस्म की बीमारी अमिलाइडोसिस से पीड़ित है। इस बीमारी के कारण बची हुई प्रोटीन शरीर के अंगों में जमा होने लगती है। फिलहाल मुशर्रफ इलाज करा रहे हैं। देशद्रोह के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व सैन्य तानाशाह ने कुछ दिन पहले वीडियो जारी कर सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा मुल्क की खिदमत की है। वीडियो संदेश में कहा कि मुझ पर गद्दारी के जो आरोप लगाए गए हैं मेरी समझ में पूरी तरह से गलत है। मैंने 10 साल तक मुल्क की खिदमत की है, मैंने जंग लड़ी है। मेरे ख्याल से मुझ पर मुल्क से गद्दारी का कोई केस नहीं बनता है। मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, शुरू से खराब है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में आता जाता रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर के हवाले होता रहा हूँ मैं, और अभी भी यही हालत है। आज सुबह मुझे डिजीनेस हुई और मैं ब्लैकआउट हो गया, मुझे फिर उठाकर यहाँ ले आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं उसके बाद क्या हुआ है। ये केस मेरी नजर में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत अंजाम दिए हैं, जंगे लड़ा हुआ हूँ मैं और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। अब यहाँ इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा जो लॉयर है सलमान सफदर उस तक को सुन नहीं रहे हैं। तो मेरी नज़र में बहुत ज्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब वो कमीशन कहते हैं कि आत्या बनी है, वो कमीशन बेशक जहाँ तक मेरा ताल्लुक है वो बेशक इधर आए और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। वो आए मुझे सुने और खुद देखे मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।